हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि नवजात शिशु जब भी पैदा होता है तो उसकी देखरेख और देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए। जब भी नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे सबसे पहले माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पहली बार माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, जो न केवल उसकी बॉडी को सुरक्षा देता है, उसके शरीर को पोषित करता है, बल्कि लंबे समय तक बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि नवजात शिशु को पैदा होते के साथ ही पीलिया हो जाता है, जिसका कारण उसका अंदरूनी शरीर ही होता है। उसके शरीर के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जिनके बढ़ जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और उसी की वजह से पूरा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके कई इलाज भी हैं, जैसे कि फोटोथेरेपी। आप फोटोथेरेपी करवाकर अपने नवजात शिशु के शरीर से पीलिया रोग को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि बारिश के मौसम में छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार बारिश पड़ने की वजह से सीलन, मच्छर, कीट पतंगे और बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स बच्चों को ज्यादा पकड़ लेती हैं। इसीलिए जब भी बारिश का मौसम हो और अगर आपके बच्चे अभी भी छोटे हैं, यानी कि 6 से 8 महीने के बीच के हैं, तो आपको उनके आहार पर ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रह सकें। बारिश के मौसम में बार बार क्लाइमेट चेंज होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी 2-2 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कीचड़ हो जाती है, क्लाइमेट काफी अपसेट हो जाता है और उसी वजह से हवाओं के अंदर भी नमी आ जाती है। इसीलिए अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और आपके घर के अंदर ठंडक बहुत बढ़ गई है, तो अपने बच्चों को चादर या फिर बच्चों के ब्लैंकेट के अंदर लपेट कर रखिए। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे, बच्चों को ठंड का एहसास नहीं होगा और दूसरा, बच्चे मच्छरों के संपर्क में भी आने से बच जाएंगे। जब भी आप अपने बच्चे को खाना वगैरह खिलाएं, जब भी आप अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, तो स्तनों को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। अगर आपका बच्चा बैठने लगा है और धीरे धीरे अन्य आहार भी खाने लगा है, तो खाने की प्लेट्स को और खाने को दोनों को ही स्वस्थ रखने की और स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके बच्चे के पेट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर संक्रमण प्रवेश ना कर सके। क्योंकि छोटे बच्चे बीमार तो बड़ी जल्दी होते हैं, लेकिन उन्हें रिकवर होने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए ध्यान देना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो उन पर निगरानी करना, साफ सफाई का ध्यान देना, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना, और स्पेशली ये बात, जब भी बच्चे रात को सोए तो उनके आसपास मच्छरदानी का प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ हो या ना हो, मच्छरों की उत्पत्ति काफी ज्यादा हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इन सारे ट्रिक्स को आजमा सकते हैं और अपने बच्चों को बारिश के मौसम में भी देखभाल करके स्वस्थ बना सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।